तो कैसी फील आ रही है? मींस अच्छा लग रहा है, डिफरेंट स्टाइल है। डिफरेंट स्टाइल है तो उसमें हमारे पास टेरेस भी अवेलेबल है, ये भी आपको बताऊंगा। टेरेस भी अवेलेबल है, टेरेस का भी आपको एक ग्लिम्स दे दूंगा। और ये ऑप्शन छोड़ने वाला नहीं है, प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है आपको? डिफरेंट तो फायदा ही मिलता है ना इससे। हाँ, मुझे फायदा मिलता ही है। वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ हरप्रीत सिंह गुलाटी, एक रियलिटी हूँ गुड़गांव को। और आज मुझे वीडियो पे कंपनी कर रही है मेरी वाइफ। हेलो। और जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे कुछ वीडियोस पहले आए थे जिसमें मैम ने मेरे को कंपनी किया था, तो लोगों को पसंद आ रही थी चीज, लेकिन ठीक है, एक जेन्युइन ओपिनियन मिल जाता है और बहुत बढ़िया चीजें रहती है। मुझे मालूम है ये ट्रेंड भी हमारा कॉपी होने वाला है और जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम बड़ा जेन्युइन तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। और क्यों, तेरे को क्या लगता है, कॉपी हो रहा है? की फर्क पड़ता है? की फर्क पैदा जी, की फर्क पैदा, बिल्कुल मैडम कहते हैं कोई की फर्क पैदा, कोई फर्क नहीं पैदा। इस ट्रेंड को भी कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है, बट हम तो लगे रहेंगे कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे। तो आज के वीडियो में मैम कंपनी कर रही है मुझे और हम जा रहे हैं 300 स्क्वायर यार्ड्स का एक बहुत ही फैंटास्टिक, अगेन एक डिफरेंट सा विक्टोरियन स्टाइल बिल्डर फ्लोर देखने के लिए। 300 स्क्वायर यार्ड का बहुत ही प्यारा है, सुशांत लोग का एक्साइटमेंट है? मुझे बहुत ज्यादा है, बिल्कुल है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बहुत है। तो मैम को भी बहुत एक्साइटमेंट है और चल के देखते हैं। अभी तक मैंने तो देखा हुआ है, इन्होंने भी देखा, अब जाके अब आज इसको शूट करूंगा, आपके लिए चीजें लेके आऊंगा, बढ़िया बढ़िया दिखाऊंगा आपको, डिटेलिंग करूंगा उसकी। और चलते सीधा सीधा, चले सीधा, चलो चलते मिलते सीधे वहीं पे। आज साथ ही साथ मेरा 14 प्रो मैक्स भी टेस्ट हो जाएगा, इसके कुछ शॉट्स हैं जैसे भी आपने देखा, जैसे इंट्रो मैंने किया उसी से किया, तो बताना क्लैरिटी कैसी लगी। उसके बाद तो सारा काम मैं अपने इस सोनी के कैमरे से ही करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ कुछ पार्ट मैं इसे करने वाला हूँ। तो 2 हफ्ते हो गए मुझे इसको यूज करते हुए, बहुत ऑसम है। और लेकिन आज मैं इससे कुछ प्रॉपर्टी के पार्ट भी शूट करूंगा, और आज मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा, आज हमारे भाई साहब आने वाले हैं यहाँ पर, हम पीछे बैठे हुए, ड्राइवर आने वाले हैं, तो बस वही लेके जाएंगे। क्योंकि काफी लोग मुझे कई बार कहते हैं गाड़ी चलाते चलाते आप मत किया करो, ये मत किया करो, वो होता तो एक आध दो कमेंट्स ही हैं, लेकिन मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोशिश यही रहेगी यार कई बार। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा, अगर मैं ड्राइव कर भी रहा होता हूँ ना, तो एक हाथ से मैंने फोन जरूर पकड़ा होता है, देखो ऑटोमेटिक गाड़ी है, चला रहा हूँ, मेरा सारा ध्यान सारा फोकस मेरा रोड की तरफ है, लेकिन मैं रोड की तरफ देख के आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई मुझे लगता है कोई दिक्कत है, तो ठीक है ना। बाकी चलते हैं सीधा किसी साइड पे और चल के करते हैं वीडियो को एंजॉय। और हाँ, मेरा जो मेलेबू टाउन का वीडियो है वो जाके यार आपने देखा, इतनी बढ़िया उसको प्यार मिला, मैडम ने शिद्दत की थी बीच में। 1.5 लाख से ऊपर व्यूज चल रहे हैं उसके, और जाके उसको ले लो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। मेलेबू टाउन गेटेड कम्युनिटी है पूरा का पूरा, उसके अंदर क्लब हाउस सब कुछ आपको मिलने वाला है, ग्रीनरी सब कुछ मिलेगा। अगर जिसको मेलेबू टाउन में जाना है 500 यार्ड्स के अंदर, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं आई बटन में उसका एक लिंक डाल दूंगा और वो जाके दोबारा अगर जिसने नहीं देखा देख लो और उसकी विजिट प्लान कर लो यार, वो भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। बाकी हम चल रहे हैं 300 स्क्वायर यार्ड्स में, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, डिफरेंट बना हुआ है, चल के देखते हैं कितना डिफरेंट है, कैसा है, जैसे लोग बनाते ना वैसा नहीं है, थोड़ा हटके है, तो तभी मैं इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ उसको। समझ गए ना मेरी बात को, थोड़ा हटके है, अच्छा प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, प्राइस वाइज भी ठीक है, प्राइस वाइज बहुत बढ़िया, प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी देखने को। बाकी से पहले की वीडियो हम वहां पे पहुंचे, वीडियो में आपको प्रॉपर्टी पे लेके जाऊं, उससे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इस वीडियो का रेफरेंस देगा, जो इस वीडियो के थ्रू आता है, उसको स्पेशल कुछ प्राइजेस मेरे पास होते हैं, जो जनरली मैं ज्यादातर वीडियोस में डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि अब टॉप मोस्ट चैनल चल रहा है गुड़गांव का, टॉप मोस्ट ये चैनल चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे पास है, और कुछ बिल्डर्स के साथ मेरा एक बहुत अच्छा टाइप हो जाता है, मुझे बहुत अच्छी एक बढ़िया चीज मिलती है जो मैं कस्टमर की तरफ पास ऑन कर देता हूँ, कस्टमर को बेस्ट प्राइस मिलने वाले हैं ये श्योर है। बस आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो आ जाना, बाकी वीडियो एंजॉय कर लो। तो ये है जी, इसमें गेट्स लंबे गेट्स दिए गए हैं
और ये आपकी आ जाती है स्टिल्ट पार्किंग। स्टिल्ट पार्किंग में भी देखो कितना बढ़िया काम किया हुआ है, यहाँ पे सारी गोल्डन टच दी हुई है। और ये सारी आपकी कार की पार्किंग है, ह्यूज पार्किंग है। यहाँ पे एम्बोस्ड पीओपी का काम किया हुआ है गोल्डन कलर में, सामने बुद्धा की मूर्ति लगी हुई है, बढ़िया सी इंग्रेव की हुई है, एम्बोस्ड है। यहाँ पे आपके सर्वेंट रूम्स आ जाते हैं, पीछे संकन आ जाती है क्योंकि इसमें बेसमेंट भी बनी हुई है। ये इसकी स्टिल्ट पार्किंग है, यहाँ से इसकी मेन लिफ्ट लॉबी की एंट्रेंस है। तो आओ चलते हैं इसके अंदर, शैंडलियर की इसमें लिफ्ट लगी हुई है जी। तो ये आ गया हूँ मैं लिफ्ट लॉबी के अंदर और बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो गोल्डन कलर की इन्होंने लिफ्ट यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है और यहाँ पे सतवारियों फिनिश की इन्होंने स्टोन लगाया हुआ है सतवारियों का, और ताकि इसको लिफ्ट लॉबी को बड़ा एनहेंस किया हुआ है इन्होंने। ये बीच में इसमें आपको दिखाऊंगा ना, इसमें इनले वर्क भी किया ब्रास का थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि इस गोल्डन इन्होंने गोल्डन लिफ्ट दी है इसमें। और ये जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, जो वाला एंट्री करते हैं 8 फुट का डोर, उस पर कार्विंग की हुई है। मैडम का रिएक्शन देखते हैं। चलो जी चलते हैं अंदर। वाह, हाय मैडम ने एंट्री मारी है जी। नाइस। तो ये इसके ऊपर आप देखोगे तो इसमें स्मार्ट लॉक लगा हुआ है, जिसमें बायोमेट्रिक्स, कार्ड एक्सेस, पासकोड एक्सेस सब कुछ मिलता है। और ये डोर में सबसे पहली बात कार्विंग ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर थोड़ी लाइट कम थी तो मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको प्रॉपरली, ये बहुत अच्छा लग रहा है कार्विंग। कार्विंग अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ, तो ये इसको करते हैं डोर को बंद, और ये इसके पीछे थोड़ी ग्लॉसी फिनिश में है। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले आती है आपको फील फायर एरिया, ब्यूटीफुल। और सामने मोल्डिंग काम किया हुआ है यहाँ पे। इसका सबसे पहले मैं इसका लेआउट अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो लेआउट है जी ये लो, राइट साइड में आपका सारा लिविंग, यहाँ पे मंदिर की स्पेस, और ये डोर से हमने एंट्री की है, ये पूरा पूरा लिविंग है, और यहाँ पे आपका डाइनिंग का पार्ट है। और कैसी फील आ रही है? मीन्स अच्छा लग रहा है, डिफरेंट स्टाइल है। डिफरेंट स्टाइल है, क्या डिफरेंट क्या लगा इसमें? इसमें डिफरेंट ये कार्विंग डिफरेंट लग रही है, मोल्डिंग कार्विंग। हाँ, ये डिफरेंट है जी, बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो अभी तक किसी भी फ्लोर में नहीं देखी है, किसी भी फ्लोर में नहीं देखी ये चीज, ऐसी चीज देखी जो कार्विंग के साथ इसमें मोल्डिंग करके किसी भी फ्लोर में नहीं है, हमने अभी तक नहीं देखी है। और इसका एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, इसके जो डोर्स है, डोर्स भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये देखो डोर कार्विंग के साथ डोर मैच कर रहे हैं। हाँ, ये अगर मैं बंद करूँ तो नाइस, ब्रास के हैंडल्स हैं, रॉयल फिनिश दी है, और एकदम क्रीम हाउस है, वाइट हाउस है। और ये सामने इसमें मिरर प्लेस है यहाँ पे, ये आपका सारा का सारा जितना भी एरिया है, ये सारा डाइनिंग है। लाइट तो ले लो, मिरर आ गया, लाइट तो ले लो। ये मिरर आ गया, लाइट ले लो, आते ही सबसे पहले लाइट। चलो जी लाइट मांग लेते हैं। पूरा फुल लेंथ मिरर इसमें कटवर्क किया हुआ, डायमंड कट से किया हुआ है, और पूरा लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। और ये तो लाइक जरूर दे देना जी, पहला स्टार्ट करते ही लाइक मांग लिया मैंने। तो अंदर चलते हैं, तो लेआउट समझते हैं इसका। ये 4 बेडरूम के अंदर मैं आया हूँ, इस वक्त 4 बेडरूम के अंदर हूँ। तो ये लिविंग रूम आपको यहाँ से दिख रहा है पूरा, और इसके 3 रूम यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आते हैं, 1, 2 और 3। सब डोर्स के ऊपर एक ही तरह की कार्विंग आपको दिखेगी, जनरली नहीं देखने को मिलती है। और राइट साइड पे आपका लिविंग प्लस किचन, यहाँ से किचन आ जाएगी। और ये आपका बेसिकली बहुत प्यारा सा एक, चाहे डाइनिंग आप यहाँ पे प्लेस कर लो, चाहे डाइनिंग आप यहाँ पे प्लेस कर लो, कहीं पे भी आप डाइनिंग प्लेस कर सकते हो। सामने एक और बड़ा सा मिरर है, तो मिरर आते ही मैं मांगता हूँ एक और लाइक, फुल लेंथ मिरर है यार, आप भी एक लाइक मांग लो यार, लाइक प्लीज। एक लाइक जरूर दे देना। चलो, इसमें ये फुल लेंथ मिरर आया, फुल लेंथ इसमें बिल्कुल आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसे बर्फी कट का इन्होंने कट किया, वो डायमंड कट है, और मिरर अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, जिसमें रोज गोल्ड का इसमें आपको उसका आउटर दिखेगा, बहुत प्यारा लग रहा है। तो किचन बिल्कुल सामने, तो आज किचन से स्टार्ट कर लें, चलते हैं जी किचन के अंदर। काइंडली एडजस्ट मेरा थोड़ा सामान, जैसे कि हमेशा होता है थोड़ा सा। तो ये किचन के अंदर आए, तो कैफ का इसके अंदर आपको, इसमें आपको माइक्रो एंड ओटीजी देखने को मिलेगा। ये रोज गोल्ड के साथ इसमें ये आ गई इसकी पेंट्री, पेंट्री अच्छी है, बहुत अच्छी है कैफ। और ये प्यारी सी इसमें किचन बनी हुई है, ऑफ वाइट कलर की, साथ में बीज कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया। और ये फ्रंट फेसिंग है, तो जाके जितने भी आपके छोंका तड़का लगेगा सब बाहर, यहाँ से कुछ भी वो नहीं होने वाला। और बढ़िया किचन है, इसमें कैफ का ही हॉब लगा हुआ है, चिमनी लगी हुई है, हॉब आई थिंक अभी इंस्टॉल होनी है। और ये अगर मैं इसके पीओपी ऊपर की दिखाऊं आपको, तो ये सिंपल सोबर फ्रंट फेसिंग किचन, घर में खड़ी हुई लेडी किचन में कैसी लगेगी ये भी देख लो आप। तो ये लो जी, ये बाहर बैल्कनी है, बाहर की बैल्कनी है, जिससे आपका बाहर का एक्सेस, अगर आप यहाँ पे किचन में हो तो आपको बाहर का पूरा
पता लगता रहेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दिल लगा रहता है, थोड़ा सा बाहर से व्यू मिलता है। प्लस वेंटिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, वेंटिलेशन जो किचन की वेंटिलेशन यहाँ से आपको मिलती है ज़बरदस्त वाली। और किचन से बाहर चलते हैं, नीचे सारा इटालियन मार्बल है, नीचे सारा वन एक ही तरह का इटालियन मार्बल सारा लगा हुआ है, किचन में भी सारा इटालियन मार्बल है ही है। और नीचे प्रोफाइल लाइटिंग भी आपको दिखेगी इसकी, ये इवनिंग्स में बहुत अच्छी लगती है। तो ये प्यारी सी क्यूट सी किचन इसकी मैंने दिखाई आपको। ये है इसका लिविंग, लिविंग बाहर बैल्कनी की तरफ चलता है और इसको ओपनिंग यहाँ से मिलती है। बहुत अच्छी नेचुरल लाइट है इसके अंदर, मैश डोर ग्लास डोर सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। चलते हैं एक बार बाहर। ये आ गई जी आपकी बैल्कनी, बड़ी सी बैल्कनी, बढ़िया सी रोड, फर्स्ट क्लास 20 मीटर रोड के ऊपर ऑलमोस्ट आपको ये मिल जाता है, 24 मीटर रोड के ऊपर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे ये फ्लोर मिलता है। और डिस्टेंस है घर का, इसका फ्रंट फसाड में भी इसको आप यहाँ पे UPVC और प्लस इसमें सारे ग्रूविंग दी गई हैं। हाँ तो देखो हर दीवार पे आपको वही कार्विंग मोल्डिंग देखने को मिलेगी, इससे थोड़ा सा घर एनहांस होता है। ये आपका एग्जैक्टली यहाँ से पूरी लुक एंड फील आती है पूरे घर की। तो वहाँ से हमने एंट्री की थी, ये आ गया डाइनिंग का पार्ट है, डाइनिंग चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ कुछ भी कर सकते हैं। ये किचन का पार्ट है, एक बेडरूम इसका ये रहा, कंसील्ड में रहता है, अच्छा लग रहा है। और चल के देखते हैं फ्रंट फेसिंग पहला बेडरूम, सिर्फ ब्रास की हैंडल्स है, वाह क्या बात है। तो ये आ गया मैं फर्स्ट फ्रंट फेसिंग रूम के अंदर, बैल्कनी वही सेम है और इसमें सारा आपको ऑफ वाइट घर दिखेगा, पूरा ऑफ वाइट घर दिखेगा। तो बड़ा बड़ा घर लगता है, 300 यार्ड है लेकिन बड़ा बड़ा लग रहा है। ये बेड की प्लेसमेंट आ जाती है यहाँ से और यहाँ पे टीवी कंसोल आएगा, प्लेन वॉल्स छोड़ी हुई है आपके लिए काम करने के लिए, कुछ भी आप इंटीरियर्स कराना चाहो। वैसे इंटीरियर्स ऑलरेडी डन है, बाकी आप टीवी पैनल वगैरह कुछ बनाना चाहो बना सकते हो। जनरली वैसे टीवी अगर सीधा इस पे सिंपल वॉल पे हैंग कर दो तब भी बहुत अच्छा लगेगा। कमरे की डायमेंशन देखूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, साइज अच्छा लग रहा है। फ्रंट फेसिंग रूम है, इसमें आपका डाइकन का AC लगा हुआ है। ऊपर अगर आपको इसकी वो दिखाता हूँ सीलिंग, तो इसमें कोप बनी हुई है बहुत डिफरेंट तरह से, बढ़िया थी। तो इसका एक वॉशरूम है, इसके पीछे इसकी वाटर बॉय थी। मैडम देखो स्टोरेज की तरफ ढूंढ लिया मैडम ने स्टोरेज को स्टोरेज खोल दो जी, कोई देख रही थी कहाँ है स्टोरेज है कहाँ। हाँ ये दिखाओ इनको एक स्टोरेज, ये हटो, हाँ स्टोरेज दिखाओ, ये स्टोरेज सीलिंग हाइट तक स्टोरेज है। और इसमें ऊपर ब्रास के मतलब गोल्डन कलर के हैंडल्स दिए गए, साथ में इनले भी इनले किया गया ब्रास का। और ये साथ में इसका वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी देख लो, ये भी अच्छा है। मतलब इसमें टाइल लगी हुई है सारी, और इसमें आपके जैगवार के आपको यहाँ पे इसकी बाथ फिटिंग्स देखने को मिलेंगी। मिरर के सामने आ गए हो, मिरर के सामने मांगता हूँ बढ़िया सा लाइक, एक लाइक कर देना जी, इसको शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स से, इस वीडियो को शेयर भी कर देना यार, मज़ा आ जाएगा। रीज़न भी कि बहुत सारे लोग इस तरह की प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे होते हैं और वो मिल जाए उनको। यहाँ पे आपको पूरी टाइल है, डार्क कलर की टाइल है, यहाँ पे WC की इंस्टॉल है। और यहाँ पे अभी बेडिंग आप एरिया छोड़ा हुआ है, बेडिंग एरिया में ग्लास पार्टीशन अगर चाहो तो करा सकते हो, बाकी देखते हैं। वो आपका रेन शार नॉर्मल शार है और इसमें साथ में जैगुआर की इसकी फिटिंग जैसे मैंने आपको बताई। चलते हैं इसके बाद इसके डोर के ऊपर भी आपको सेम वर्क देखने को मिलेगा, ये लो डोर के ऊपर, हर डोर पे है ये सारा वर्क ना, जितना भी देख रहे हो मेहनत करी हुई काफ़ी, तो हर डोर के ऊपर आपको ये वर्क देखने को मिलेगा। तो ये इस पूरे रूम की लुक एंड फील है जी यहाँ से। चलते हैं इससे बाहर, मैम का मौजूदगी चलो कुछ देख ही रही होगी। और ये इसके पूरे घर की लुक एंड फील है यहाँ से। अभी तक वीडियो कैसा लगा, अभी तक का इतना पार्ट मैंने एक बेडरूम दिखाया, लिविंग दिखा दिया, डाइनिंग दिखा दिया, किचन दिखा दिया, एंट्री दिखा दी, कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बता देना, साथ साथ बताते जाना। जो चीज़ पॉइंट अच्छा लगे वीडियो को पॉज करो और नीचे एक कमेंट लिखो बढ़िया सा, देन वीडियो वापस रिज्यूम करो। चलते हैं आगे और देखने के लिए। तो ये रहे 3 rooms 1, 2 and 3। तो ये वाला एक रूम, चलो सबसे पहले ये छोटा रूम देख लेते हैं। इसका वाव एक मिरर यहाँ पे, बेसिकली ये स्टोरेज है और स्टोरेज पे लगा हुआ है मिरर। मिरर जहाँ मिलते हैं वहाँ मांगना होता है एक प्यारा सा लाइक, क्यों जी एक लाइक, एक लाइक, एक लाइक। और ये छोटा स्मॉल रूम है, देखो जी गेस्ट रूम है, किड्स रूम है, किसी तरह से बना सकते हो। डोर पे अगेन वैसे ही काम किया हुआ है और इसकी स्टोरेज यहाँ पे सारी तरफ से मिरर ही मिरर है। ओए होए होए क्या बात है, इसकी भी स्टोरेज खोलो एक बारी, सेम स्टोरेज है जी, वैसे ही डीप है काफ़ी और ऊपर सीलिंग हाइट तक जाती है, ग्रेट। तो डोर में आपने देखा काम बिल्कुल क्रीम कलर की, एकदम आंखें ऐसी हो रही है एकदम वाइट 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 बिल्कुल। और चलते हैं वॉशरूम में,
वॉशरूम में ये वैसे वेनिटी सेक्शन आ गया, इसका वैनिटी ऊपर ग्रेनाइट का टॉप रखा है, जगुआर की फिटिंग लगाई है, टाइल्स लगाई हुई है, एक मिरर आगे एक और, इसको चला के देखते यस एक लिटअप मिरर के साथ बढ़िया सा लाइक, प्यारा सा लाइक जरूर देना, भूलना नहीं, देखो भूलना नहीं, अभी तो मिरर और आएंगे लेकिन फिर भी भूलना नहीं, जिसने अभी तक नहीं दिया अभी से ही दे डालो, अगली की वेट मत करो। तो इसमें डब्ल्यू सी की प्लेसमेंट, वॉशरूम के अंदर आपको यहाँ पे टाइल्स देखने को मिल रही है और सबका अपना अपना टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है और अच्छी डिसेंट लगाई हुई है, इसका मैचिंग है फ्लोरिंग के साथ मैचिंग हो रही है। ये स्मॉल रूम है जी, उसमें डाइकन का एसी ऊपर इंस्टॉल्ड है और इसकी जो सीलिंग है वो भी थोड़ी डिफरेंट बनी हुई है, सीलिंग बिल्कुल थोड़ी सी ओवल शेप में है। स्मॉल रूम है, बेड की प्लेसमेंट इस वॉल से आती है और यहाँ पे टीवी कंसोल आता है। चलते हैं इस रूम से बाहर, इसकी कार्विंग, चलते हैं इस रूम से बाहर और अगेन एक साथ वाला एक और रूम है उसमें चलते हैं। ओहो मैडम पैलेस ही है, ये मास्टर बेडरूम है, देखो इसकी इसकी स्टोरेज आपको अंदर मिलेगी, बहुत बढ़िया सी सिंपल सोबर वॉल्स है, नीचे अगेन वही सेम इटालियन मार्बल चल रहा है नीचे और सिंपल सी वॉल्स हैं, कुछ भी ज़्यादा कलाकारी नहीं की है, सिर्फ सिंपल वाइट कलर के बनाया। अगर मैं आपको यहाँ से एंटायर हाउस दिखाऊं तो वाइट हाउस दिखेगा, पूरा वाइट हाउस बनाया, थोड़ा डिफरेंट बनाया, विक्टोरियन स्टाइल में है और बहुत डिफरेंट बनाया हुआ घर। आप बताना, दो शैंडलियर्स लगे ऐसे पुराने जैसे चीज़ें होती थी, ऐसे विक्टोरियन इंग्लिश स्टाइल का घर बना हुआ है, बढ़िया लगा। सिंपल सोवर हाउस है, 300 यार्ड्स का है, 4 बेडरूम्स है प्लस सवन रूम। ये रूम की प्लेसमेंट ऐसे है कि यहाँ पे बेड की प्लेसमेंट आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे आपके टीवी की प्लेसमेंट हो जाएगी सामने। ये अलग से आपको एक अलग से एरिया मिलता है, ड्रेसिंग पार्ट है, इसमें वार्डरोब्स लगी हुई है, जैसे आपको वार्डरोब्स ऑलरेडी खोल के दिखाई है हमने और ये इसका वॉशरूम है। बाकी वॉशरूम आ जाएगा काफ़ी अच्छे, नेचुरल लाइट ही काफ़ी है, बिना लाइट के भी अच्छा दिख रहा है और इसमें अगेन जगुआर की फिटिंग है, नीचे वैनिटी सेक्शन, ग्रेनाइट का टॉप रखा हुआ है, इसमें ओवल मिरर है, इसको ट्राई करते हैं, शायद इसकी लाइट जल गई, जल गई, एक लाइक दे देना जी, एक लाइक जरूर दे देना जी इसको, फैंटास्टिक सा, बढ़िया सा लाइक, बढ़िया सा लाइक। और ये इसका बेडिंग एरिया है पार्ट, यहाँ पे आप ग्लास की अगर आप चाहो तो उसको पूरा कर सकते हो उसको। ये है जी इसके बैकयार्ड, हम खोलने में ट्राई कर रही है, चलते हैं इसकी बैकयार्ड पे। तो बैकयार्ड पे जाते ही अभी हमें ग्राउंड फ्लोर पे उसका पीछे का देखो आप बैल्कनी जो काफ़ी ब्रॉड दिख रही है, साथ में एक अलग से छोटी सी आपको यहाँ पे टेरेस देखने को मिलेगी, छोटी सी टेरेस बनी हुई है इसकी अपनी अलग से है, इसको आप चाहो तो इसमें आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से जाके आपको आसपास के घर नज़र आएंगे, ऊपर नज़र आएगा, तो ऊपर का बैकयार्ड का पूरा देखना चाहे देख सको, यहाँ से आप बात कर सकते हो, आपके अगर फ्रेंड्स बन जाएँ ऊपर तो हेलो भाई क्या हाल है बढ़िया, यहाँ से पड़ोसियों से भी आप बिल्कुल बातचीत कर सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और नीचे आपके अभी पार्किंग एरिया जैसे कि आपको मैं दिखा चुका हूँ नीचे का पार्किंग स्लॉट, और ये बैकयार्ड है उसका, एरिया को यूटिलाइज कर दिया तो आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से वहाँ तक, यूटिलाइज कर दिया इसको, ये पूरी बैल्कनी है, इसके अंदर पीछे आउटर्स लगे हुए हैं और ये वापस रूम के अंदर हम चलते हैं। तो वैसे जी ना मुझे लग रहा है ये हमारा ये भी ट्रेंड कॉपी होने वाला है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है आपको, आधी फर्क तो फायदा ही मिलता है ना इससे। ये बात तो मैडम ने बिल्कुल जेन्युइन बोली, इसका फायदा मिल जाता है मुझे, बहुत बेनिफिट मिलता है, कोई कॉपी करता कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चलते हैं जी, इसका एक और रूम है, लास्ट रूम है, जैसे हमने ये रूम देख लिया, ये स्मॉल रूम देख लिया, ये पूरा घर देख लिया, यहाँ से हमने एंट्री की थी वो हमारा मंदिर पार्ट आ जाता है। ये मैं आपको दोबारा एक बार बता दूँ, यहाँ मंदिर पार्ट आ जाता है, स्पेस काफ़ी अच्छी दे रखी है 300 यार्ड्स में, वहाँ पे किचन है और साथ में यहाँ पे डाइनिंग का पार्ट है, बहुत बढ़िया सा पार्ट लग रहा है यहाँ पे, और वो फोर्थ रूम रह गया एक और, जैसे वो मास्टर बेडरूम है मुझे ये भी लग रहा है भी मास्टर बेडरूम है, दोनों के साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल रेप्लिका लग रहे हैं, सेम साइज़ है जी, कोई भी इसमें मास्टर बेडरूम बन सकता है, ये या ये दो आपके पास मास्टर बेडरूम आ गए। इसमें आपको सीलिंग थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइन दिख रहा है, ऊपर सारा वुड का करा हुआ है उन्होंने और सीलिंग बनाई हुई है और इसमें कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट आया था, वुडन इसमें एलमिराज दे रखी है वुडन कलर की, अगेन स्क्वेरिश रूम है, इसमें बेड की प्लेसमेंट वहाँ पे होती है और टीवी कंसोल आपका यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी आपका अलग से स्टडी बनाना चाहो इस कॉर्नर पे बना सकते हो, बहुत अच्छा सा बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है, अगर बंदा कोई करना चाहे बहुत कुछ कर सकता है। डोर्स पे जैसे मैंने बताया कि सब पे एक ही जैसी कार्विंग इन्होंने कर रखी है, बहुत अच्छी लग रही है, इससे थोड़ी सी रॉयल फिनिश आ रही है, तो फील अच्छी आ रही है, इसे डिफरेंट आ रही है, देखो हर एक का अपना टेस्ट है और मैंने आज तक अभी आज तक किसी के डोर्स मैंने इतने ऐसे देखे नहीं। अब इसमें पूरी की पूरी एक ही थीम चली हुई है पूरे घर में, वो थीम अच्छी लग रही है, थोड़ी डिफरेंट है और विक्टोरियन स्टाइल में कहूँगा इसको भी थोड़ी सी लग रही है मुझे, बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे इसकी वार्डरोब्स आ गई, ऊपर एक शैंडलियर भी है, मास्टर बेडरूम है इसलिए एक शैंडलियर भी दे दिया इसमें,
अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैडम ने वाटर प्रूफ शीट से खोल दी और ठीक लग रही है। इसमें अलग अलग डिफरेंट कैबिनेट्स अच्छे लग रहे हैं इसमें बनाए हुए, डिफरेंट बनाए हुए। ऊपर स्टोरेज भी है इसमें, स्पेस है अच्छा। हाँ, इसके अंदर ऊपर भी देखे ना, वो ऊपर स्टोरेज ऐसे खुलने वाली है। ये हैंगर्स लगे हैं, ज्वेलरी बॉक्स भी बना हुआ है यहाँ पे, खोल रहे हैं। नॉर्मल ड्रॉर्स हैं, नॉर्मल ड्रॉर्स देंगे। बाकी इसके अंदर वाइट, इसका फैन अंदर, ये एग्जॉस्ट बंद करना है, बड़ा शोर होता है इसका। तो ये इसको बैल्कनी का एक्सेस भी मिलता है यहाँ से। ये इसके अंदर सतवारियों फिनिश की टाइल्स लगी हुई हैं और वाइट कलर का इसमें वॉशरूम है। ये भी सेम अगेन जगुआर की फिटिंग्स आ रही है यहाँ पे। एक मिरर और आ गया जी यहाँ पे, इसको लिटअप करते हैं और मांगते हैं आपसे एक और बढ़िया सा प्यारा सा फैंटास्टिक सा एक लाइक जरूर दे देना, ठीक है जी। तो बाकी सतवारियों फिनिश की टाइल्स लगी है, इस रूम से चलते हैं, वॉशरूम से चलते हैं। बाहर नीचे वेंटी सेक्शन भी देखने को मिलता है। डोर पे अगेन वही काम किया हुआ है, ब्रास के इंजर्स लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के बढ़िया लगे हुए हैं। और ये अगेन वही बैल्कनी के एक्सेस में मेश डोर, ग्लास डोर दोनों चीज़ें दी गई हैं और ये रूम की पूरी लुक एंड फील आ जाती है यहाँ से। मैडम हाँ जी, कहाँ पे हो, कैसा लगा फिर घर? बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट है? डिफरेंट है। अच्छा है ऐसा घर, वाइट 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 घर, वाइट अच्छा डिफरेंट है घर। इसके अंदर हमें ना फर्नीचर हम लगाना चाहें, फर्नीचर अच्छा स्कोप है हमारे पास, हम अच्छा इसी तरह से हम मिलता जुलता कार्विंग शार्विंग वाला फर्नीचर लगा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन इसमें अच्छा नहीं लगेगा फर्नीचर, इसमें थोड़ा सा कार्विंग, कार्विंग भी अच्छा लगेगा, कार्विंग वाला थोड़ा अच्छा लगेगा। पुराने स्टाइल से चलते थे ना वो फर्नीचर, तो अच्छे लगेंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो, घर कैसा लगा आप बताना जरूर अपने कमेंट सेक्शन, आप लोगों के लिए ही होता है। बताओ बढ़िया से कमेंट्स करो, फैंटास्टिक बढ़िया अच्छे अच्छे से कमेंट्स करो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताओ, इसको शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और इस तरह के घर में लेके आपके लिए आता रहता है, उसमें हमारे पास टेरेस भी अवेलेबल है, ये भी आपको बताऊंगा, टेरेस भी अवेलेबल है। टेरेस का भी आपको एक ग्लिम्स दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर, और मिलूंगा आपसे ऐसे नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अर्पित सिंह, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, रब रखा, मैडम का भी हो गया जी, रब रखा, बाय बाय, सी यू, बाय। अगर आप चाहते हो कि हम दोनों दोबारा इस कभी नेक्स्ट वीडियोज में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है जी। मैडम को तकलीफ देते रहेंगे थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा मैम ना एक कैमरा शायद है, थोड़ा सा ये भी खुल जाएगी, थोड़ा बातचीत और बढ़िया करेंगे। जैसे मैं शुरू में होता था, अब मैं कितना बड़बड़ा करके बोलता हूँ, ऐसे मैम भी शुरू हो जाएगी ना। चलो ठीक है, चलो ग्रेट जी, बाय बाय, सी यू। चलो जी, ये आ गया बढ़िया सा घर, इसके आपको शॉर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये है जी इसकी बढ़िया सी बेहतरीन सी बढ़िया सी टेरेस, इसमें परगोला बना हुआ है, सिटिंग लेजेस वहाँ पे, सिटिंग अभी लेजेस बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, सिटिंग लेजेस बनाओ यहाँ पे, बाहर बनाओ, परगोला लगा हुआ है वहाँ पे, एक सिटिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी वहाँ पे दिख रहा है, कैमरा घुमा दो मैडम, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी दिख रहा है आपको। और यहाँ पे आप बड़ी सी ओपन सी टेरेस है, देखिए ओपन सी टेरेस मिल रही है आपको, टेरेस की ऑप्शन मिल रही है और ये ऑप्शन छोड़ने वाला नहीं है। प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन छत सुशांत लोक के अंदर 300 यार्ड की अवेलेबल है, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो इसको। बाकी कुछ थोड़ा बहुत बिल्डर ने कर रखा है, बाकी अपने हिसाब से जो मर्जी करो, जैसे आप चाहो इसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है जी, ओके, सी यू।